है दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने राहत के लिए अपील की थी। 2 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने ईडी से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 3 अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी। तो 2 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने इस संबंध में ईडी से जवाब मांगा है और 3 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। यानी तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा बताइए अदालत ने क्या कहा है। देखिए, अभी कोर्ट की वेबसाइट पर जो आदेश अपलोड हुआ है राम, और जो आदेश है उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें 2 मांगे हैं। एक मुख्य मांग है कि गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। दूसरी, अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने रिहाई की मांग की है। कोर्ट ने ये कहा है कि बिना मुख्य मांग को एड्रेस किए हुए अंतरिम राहत यानी रिहाई की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता, और ऐसे में कोर्ट ने दोनों मांग पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और 2 अप्रैल तक कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को सुना जाना जरूरी है, और ईडी की तरफ से जो ये कहा गया था कि अंतरिम राहत के लिए भी जो केजरीवाल ने मांग की है उस पर भी जवाब दाखिल करने का ईडी को वक्त दिया जाना चाहिए, ईडी का अधिकार बनता है, उस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। अंतरिम राहत की जो मांग है उस पर भी कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का एक मौका दिया है। 2 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करना है। 3 अप्रैल को आगे हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। क्या इस मामले में ईडी की तरफ से भी कुछ स्पेसिफिक टाइम मांगा गया था कि हमें इतना समय चाहिए जवाब देने के लिए, या अदालत ने अपने मन से यह निर्धारित किया कि आपको 2 अप्रैल तक जवाब देना पड़ेगा? ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू आज कोर्ट में पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि कल दोपहर ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका हमें दी गई, और अरविंद केजरीवाल का पक्ष नहीं चाहता था कि ईडी को इस केस में तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिल पाए। उनका कहना था कि जो मुख्य याचिका है उस पर कम से कम 3 हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए, और जो अंतरिम राहत की मांग है उस पर भी जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को वक्त दिया जाना चाहिए। बिना ईडी को जवाब दाखिल किए देने का वक्त बगैर कोर्ट को अंतरिम राहत के मामले को भी आज सुनवाई के बेस पर डिसाइड नहीं करना चाहिए था। तो आज ईडी नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए अरविंद सिंह।